नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आपका अपना घर है, फ्लैट है, कोठी है या बंगला है, आपके घर की दिशा चाहे कोई भी है, चाहे उत्तर मुखी है, चाहे पूर्व मुखी है, चाहे दक्षिण मुखी है, चाहे आपका घर पश्चिम मुखी है, या आपके घर का एक कॉर्नर ईस्ट आता है और दूसरा कॉर्नर साउथ आता है, यानी साउथ ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है या साउथ वेस्ट फेसिंग है या नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है, आप अपने घर की उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ जोन को चेक करें। आपके यहाँ, आपके अपने घर में नॉर्थ जोन में उत्तर दिशा में ऊंचा प्लेटफॉर्म बना हुआ है या स्टेयर्स बनी हुई है या आपने स्टोर बनाया हुआ है, आपके यहाँ छत के ऊपर नॉर्थ जोन में अकेला एक कमरा बना हुआ है तो उसके कारण वास्तु दोष बनता है। आपके अपने घर में जो व्यक्ति जॉब कर रहा है और जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है या जो बच्चा अपनी स्टडी कर रहा है उसमें दिक्कतें आती है, परेशानी बनती है, क्योंकि नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा कुबेर का स्थान माना गया है और कैरियर का स्थान माना गया है। इसी के साथ उत्तर दिशा को बुध का स्थान भी माना गया है, इसलिए उत्तर की दिशा में कभी भी वजन नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ उत्तर दिशा ऊंची है, चाहे किसी भी रूप में ऊंची है, आपने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है या स्टोर बनाया हुआ है या सीढ़ी बनाई हुई है या छत के ऊपर अलग से कमरा बनाया हुआ है, तो आपके यहाँ परेशानी बनी रहेगी। इसके लिए आपको अपने उत्तर की दिशा को सही करना है। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है उत्तर की दिशा में ना तो आपने स्टोर बनाना है और ना ही ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाना है और ना ही छत के ऊपर अलग से कमरा बनाना है। इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर की जो नॉर्थ की दिशा है, जो नॉर्थ जोन है, जो उत्तर दिशा है, वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। उत्तर दिशा सही होने से घर में रहने वाले सभी व्यक्ति का कैरियर, भविष्य हमेशा ही अच्छा रहता है। इसलिए आपको अपने घर की उत्तर दिशा को हमेशा ही सही रखना है। उत्तर दिशा को, नॉर्थ जोन को सही करने से आपके यहाँ हमेशा ही धन दौलत आती रहेगी, आने के साधन बनते रहेंगे और घर में रहने वाले मेंबर का कैरियर भी हमेशा अच्छा रहेगा। उत्तर दिशा को कुबेर का स्थान माना गया है और कैरियर का स्थान माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा जब सही होती है तो उस घर के अंदर हमेशा धन दौलत आती भी है और आने के साधन भी बने रहते हैं और उस घर में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं उनका कैरियर भी हमेशा उज्जवल रहता है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका अपना घर बना हुआ है और आपने उत्तर दिशा में, नॉर्थ जोन में स्टोर बनाया हुआ है या कोई कमरा बनाया हुआ है और उसको आप पैक करके रखते हैं, वहाँ पर हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ पहली बात तो पैसे आने के साधन बनते नहीं हैं, पैसा नहीं आता और इसी के साथ जो घर के मेंबर हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उनको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता। इसलिए मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आपके यहाँ जो नॉर्थ जोन है उसके अंदर खिड़की, दरवाज़ा जरूर लगाएं। नॉर्थ की दिशा से उत्तर दिशा से जब तक हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी आपके यहाँ लगातार पैसे आने के साधन नहीं बनेंगे। आपको अपने यहाँ लगातार पैसे आने के साधन बनाने हैं तो उसके लिए आपको नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा में हवा की क्रॉसिंग जरूर करनी है। आपके यहाँ खिड़की लगी हुई है, आप उस खिड़की को बंद करके रखते हैं, पर्दे टाइट करके रखते हैं, तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप उन खिड़की को हर रोज़ रूटीन में खोलें और पर्दों को ज़रूर हटाएं। आपके यहाँ नॉर्थ की दिशा से, उत्तर दिशा से हमेशा ही हवा और रोशनी आनी चाहिए, तभी आपके काम बनेंगे। आपके यहाँ उत्तर दिशा से, नॉर्थ जोन से हवा और रोशनी नहीं आती है तो आपके यहाँ जितने भी घर के मेंबर हैं वो 24 घंटे में 72 घंटे की मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। इसी के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, उत्तर दिशा को हमेशा खुला रखना है, खाली रखना है, नीचा रखना है और उत्तर दिशा में हमेशा ही हवा और रोशनी आनी चाहिए। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें।
आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंच जाए, क्योंकि मैंने आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है और अपलोड करनी है, ताकि हर व्यक्ति, चाहे आप हैं चाहे आपके अपने सर्कल में हैं, हर व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सके। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।